दोनों तो मस्त नहाने चली गई अंदर। Didn't care for one another, you and I. चल मेरा स्केटबोर्ड भी रेडी है, इसको लेके चलता हूँ ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। और जब भी मैं बाहर जाता हूँ, स्पेशली लिफ्ट वाले एरिया में या भीड़ भाड़ वाले एरिया में, मैं मास्क पहन लेता हूँ जहाँ पर ज़्यादा क्राउड होता है। बट जहाँ पर देखता हूँ लोग दूर दूर बैठे हैं ना, तो मैं मास्क निकालता हूँ। फिर पहले रेशमा को ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। मालूम है फिशिंग कर रही है, बट कौन से एरिया में है वो मुझे मालूम नहीं। ये रहा होटल हमारा, होटल के एकदम सामने वाली जगह पर बैठी है। कहाँ है? अच्छा ये हो ना मच्छी जब फूक जाती है। But this is poisonous, right? I believe so. Yeah, this one is poisonous. जहरीली है। चल अच्छा हुआ कि रेशमा कभी हो गया यहाँ पर, ज़्यादा नहीं किया उसने, अच्छा है, नहीं तो यार दिमाग पक्का डालती है। तो आप लोगों को मैं ये एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये एक छोटा सा कॉटेज देख रहे हो आप, ग्रीन कलर का। कल मैं आया था यहाँ पर और यहाँ पर एक जापनीज या चाइनीज़ फैमिली थी, मालूम नहीं कौन थे वो लोग। तो उनसे बात की थी, वो लोग वहाँ पर थे, रेशमा यहाँ फिशिंग कर रही थी। तो हमने पूछा ये आप लोग का है, बोलते हैं नहीं हम लोग का नहीं है, हम लोगों ने किराए पर लिया है। तो मैंने पूछा कि आप लोग का किराया कितना है, बोलता है 1,00,000 रुपये एक हफ्ते का। बट इसके अंदर 4-5 फैमिलीज फिट हो जाती हैं, तो वो लोग डिवाइड कर रहे हैं 25-25,000 या 20-20,000 रुपये एक एक फैमिली डिवाइड कर रही है, 1,00,000 रुपये। यही मौका रहता है, यही सीज़न रहता है कि लोग यहाँ के लोग जिनके घर होते हैं ना यहाँ पर, कमा लेते हैं पैसा। और ये बोट देख रहे हो आप लोग, ये वाली बोट, कल रेशमा वहाँ पर चली गई क्योंकि वहाँ पर जा नहीं सकते ना, रिस्ट्रिक्टेड है, बाउंड्री लगाई हुई है। तो यहाँ पर आदमी आया, उसने बोला कि भाई यहाँ पर नहीं जा सकते। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं सॉरी, क्योंकि उसका जो हुक लाइन रहती ना वो लाइन अटक गई थी। तो हम लोगों ने बोला सॉरी, बट मैंने उनसे बात की और पूछा कि आप यहाँ कब से रहते हो। तो उन्होंने बोला 20 साल पहले मैं यहाँ पर घूमने आया था और मैं यहीं पर आके बस गया। वो भी जहाँ पर मैं रहता ना उससे आजू बाजू में रहते थे, 20 साल पहले यहाँ पर आए और यहीं के रहकर रह गए। तो ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग कल भी बैठे थे और इतना अच्छा लगा ना मुझे इस जगह का नाश्ता, ऑमलेट और आलू दिए थे। तो मैं वापस आज उसी जगह पर आ गया। पल्लवी तो निकल गई, थोड़े टाइम पहले ही देखा मैंने पल्लवी को जाते हुए, बट अभी रेशमा आएगी तो हम लोग दोनों बैठ के यहाँ पर नाश्ता कर लेंगे। और माइंड ब्लोइंग जगह है, बहुत अच्छी जगह है, इस जगह का नाम है और सामने बीच है। हाय, योर टेबल फॉर टू। Yeah. ये रहा मेरा नाश्ता, ऑमलेट एंड आउट ऑफ आज है थर्सडे और अभी बज रहे हैं 12:30, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन कल फ्राइडे हो जाएगा तो बहुत सारे लोग आएंगे शाम को, और सैटरडे संडे यहाँ पर भीड़ होगी, मोस्टली सैटरडे को ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये अपना होटल और ये रहा बीच, और वहीं आगे रेशमा और पल्लवी दोनों उधर ही किधर है, दोनों तो मस्त नहाने चली गई अंदर सामान इधर छोड़ के। तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी चला जाऊं और एक डुबकी लगा कर ही आ जाऊं।
discovered, didn't care for one another, you and I, you and I. Thought I was okay, till something in me changed, don't know why, don't know why. You got me. समंदर के पानी में नहाने का ना अलग ही फील है यार। जितनी बार भी मैं जाता हूँ ना, पहले तो ठंड लगती है, फिर बाद में ना जो मज़ा आने लगता है ना, नमक बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी भी रेशमा और पल्लवी दोनों वहाँ नहा रही है। तो भाई नहा धो के रेडी रेडी पल्लवी रेडी। फाइनली बीच पे नहा धो के फ्रेश होके हम लोग अभी नीचे आ गए हैं। क्या प्लानिंग है? आइसक्रीम चाहिए। बीच के एकदम सामने जब होटल रहता ना, रूम रहता ना, तो अलग ही मजा आता है। तो पल्लवी अब तक कैसा लगा तेको ओशन सिटी? बहुत तेको घूमना था। फ्रैंकली मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा वापस जाने का मन नहीं कर रहा। क्या बात, मुझे और एक हफ्ता यहाँ पे रुकना है, घूमना है। मुझे अच्छा लगता है ऐसे चल के रेस्टोरेंट देखो, बैठो, खाओ, रूम में जाके सो जाओ। तो मुझे ऐसा और एक हफ्ता यहाँ पे बिताना है। लेकिन कल सुबह हम लोग वापस जा रहे हैं, बहुत मज़ा आया। अभी वापस जाने का वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। आज भी अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। बता पल्लवी, हर्मिट क्रैब्स कैसा होता है? ये उनका केज है, इनके अंदर वो रख सकते हैं हम लोग। और अगर मैं हाथ की देखिए, क्रैब जिंदा तो मैं हाथ उठाना अंदर चला जाए। ये देखा। ऐसा शेल के अंदर रहते ना वो लोग। हाँ। ये देख, ये काटेगा? नहीं काटते। क्या बात कर रही है, नहीं काटते? हाँ। श्योर नहीं काटते? अभी भारी नहीं आएगा वो हाथ पे। मुझे ऐसा लगा था काटते हैं। चलते तो हाथ देने कितने का एक फटाफट चलने लग जाते हैं। ये 799। ये सबसे बड़ी शार्क पकड़ी थी किसी ने, 1210 पाउंड की टाइगर शार्क। माय गॉड, 9 जुलाई 1983। और ये तो फेक है, मेरा पैदा होने के पहले का है। 9 जुलाई साइज देखो यार, वाइल्ड फिशिंग अप बोट। ये रही रियल फोटो। तो हम लोग 100 उसमें जा रहे हैं। बहुत सारी फिल्मों में देखा है, बट मैं पहली बार बैठ रहा हूँ। और मैं अकेला जा रहा था, अकेला मैं जाने के लिए था, पल्लवी को लेकर जा रहा हूँ। देखो आप लोग भी कौन था पल्लवी। हम लोग पास हो गए पल्लवी, अभी पास नहीं हुए। नहीं अभी वहाँ पे दरवाजा है। नहीं अभी अभी दरवाजा क्रॉस करके शायद हम पास हो जाएंगे। Are you sure? Yes, अभी अपनी जान बच चुकी है।
हे भगवान बचा लेना बचा लेना। हॉन्टेड हाउस के अंदर गए थे हम लोग, मजा आ गया। पल्लवी ओह माय गॉड तू डर गई सच में ना? अकेले रहती ना मैं मर जाती थी, आई स्वेयर मैं मर जाती थी। लेकिन सीरियसली अकेले जाने में ही फील आएगा। नहीं अंदर में हम लोग को लगा कि सिर्फ पुतले होंगे, लेकिन अचानक से ना रियल आदमी लोग जब मेकअप करके आए ना, पल्लवी जो चिल्ला रही थी ना, लेकिन वो गला बैठ गया। तो प्लीज मत बोलना कि हम लोग हमेशा नॉन वेज खाते हैं। आज देखो क्या खा रहे थे। तो ठीक है, इस ब्लॉग को इधर तक ही रखता हूँ। दैट्स इट, अभी जाएंगे रूम में सो जाएंगे। मुझे एडिट करना है कल की वीडियो अपलोड करने के लिए, तो अभी मुझे रात को 2 घंटा एडिट के लिए लगेगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, साथ ही साथ वो बेल आइकन भी दबाने दें, ताकि जब भी मैं लाइव आता हूँ या वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप लोग मेरा वीडियो देख लोगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। चलो यहाँ से। कैसा लगा पल्लवी देखो आज का दिन? बहुत अच्छा लगा मुझे आज का दिन। अच्छा लगा? अभी घर पे जाके सो जाऊंगी। सो जाना ना। अगर रेशमा अगर फिशिंग को नहीं जाना चाहती है तो थिंक बस हो गया। फिशिंग मुझे नींद आ रहा है। फिशिंग जाना है? हाँ नींद आ रहा है तो जाके सो जाते ना। बाय बाय, गुड नाइट।